बाद में क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं हूँ साधुन। सबसे पहले आप जाके समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हॉट टू हॉट। माय नेम इज हसन चौधरी। यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। आज का जो इंटरव्यू है इंतहाई स्पेशल इंटरव्यू है। उसकी वजह यह है कि आजकल एक ड्रामा आ रहा है टेलीविजन के ऊपर, दिल ना उम्मीद तो नहीं, जिसके बारे में हम बहुत शोर से, बहुत जोर से बात करें। इट्स वन ड्रामा दैट एवरी वन मस्ट वॉच। जो लोग नहीं देख रहे हम बार बार कह रहे हैं कि वो जरूर देखें, बिकॉज वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। बट सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने के साथ साथ जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं उन एक्टर्स की, उन सबको जितना भी हम अप्रिशिएट कर सकें वो कम है। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं में, उन सब से आपकी भी मुलाकात कराएं, ताकि आप भी उनके टैलेंट को अप्रिशिएट कर सकें। आप भी जो प्यार हमारे रिव्यूज़ में फीडबैक के थ्रू पहुँचा रहे हैं वो उन तक डायरेक्टली पहुँचा सकें। सो उसी सीरीज़ के तहत राइट नाउ आई हैव विद मी समबडी जिनको बहुत सारे लोग शायद शक्ल से ना पहचानते हो, बट उनकी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अब उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद शक्ल से भी जानना शुरू हो गए हैं। आई हैव विद मी द वेरी टैलेंटेड साधुन। अस्सलाम वालेकुम साधुन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। ठीक साधुन, आपके तो जो आपकी परफॉर्मेंस है दिल ना उम्मीद तो नहीं में, उसका तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं ही, और आई एम श्योर आपको भी उसका फीडबैक आ रहा होगा। मिल रहा है फीडबैक? कैसा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे मिल रहा है। तो देखें दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो एक तरफ आपका जो आई थिंक बिगर इंट्रोडक्शन है वो ये है कि जान कार्टून जो कि बहुत पॉपुलर है बच्चों में, मेरे अपने बच्चे बहुत शौक से उसको देखते हैं, जान की आवाज जो वॉइस ओवर था वो आपने किया था, इज दैट करेक्ट? यस, यू आर करेक्ट। तो बताएं जरा अपनी जर्नी के बारे में, आप एक्टिंग में कैसे आ गए, आप जान कार्टून की आवाज कैसे बन गए हमेशा से? अभी आप तो इतने छोटे हैं, आपसे ये भी नहीं बंदा पूछ सकता कि आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था या आपका ध्यान इस तरफ था, बट हाउ डिड दिस हैपन? आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बने? हुआ ये था कि हमारे घर एक ड्रामा हुआ था, तो उसके बाद मैंने एक ऐड किया था, उन्हीं के रेफरेंस से एक टेलीविजन ऐड किया था जो था शौकत खानम का। तो उसके बाद मेरा जब बिलबोर्ड वगैरह लगे तो उसके बाद मेरा ड्रामा, मैंने अपना पहला ड्रामा किया था काशिफ अंकल के साथ, उसका नाम था एक मोहब्बत के बाद। उसके साथ ही कंटिन्यू करते हैं, मैंने उनके साथ कॉन्टिन्यूसली 3 to 4 ड्रामाज और किए। उसके बाद मैंने जान कार्टून की डबिंग की, और फिर उन्हीं के साथ मैंने और किया बच्चों का खबरनामा जिसमें मैं एंकर था, बावर्ची बच्चे जिसमें मैं शेफ था, और सुबह मुबारक जिसके अंदर मैं होस्टिंग करता था। और उसके बाद मैंने उन्हीं के साथ एक और ड्रामा किया जिसका नाम था चंदा तारे, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। और फिर मैंने और ड्रामाज वगैरह किए, और अभी जो रिसेंटली मैंने किया वो यही है दिल ना उम्मीद तो नहीं, और वो मैंने काशिफ अंकल के साथ किया। तो यही मेरी जर्नी थी अभी तक की। तो ये जो आपने बोला कि शुरू में आपके घर में ड्रामा हुआ था, तो कोई शूटिंग हुई थी आपके घर में, वो क्या था? वो क्या नाम है, बाबा के फ्रेंड थे, उन्होंने घर में एक रिकॉर्डिंग करवाई थी, बाबा ने मतलब एक घर में रिकॉर्डिंग करवाई थी, शूट हुई थी ड्रामा की, तो उनके रेफरेंस से फिर मैंने आगे ऐड किया था। तो ये मुझे बताएं, जब वो शूट हो रहा था घर पे पहली बार, जब आपने देखा कि सेटअप लगा हुआ है, उस वक्त आप देखते थे ड्रामे, आप देख रहे थे कार्टून्स, देखते थे क्या, देखते थे आप टीवी के ऊपर ज्यादा या फिल्म? तब मेरी एज थी 4.5 years। अच्छा, 4.5 years। एंड हाउ ओल्ड आर यू नाउ इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 14 years। 14 years, तो आप ऑलरेडी साधुन 10 साल से काम कर रहे हो माशाल्लाह। यस। तो यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 14 साल की उम्र में ऑलरेडी आपको 10 साल हो गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए। तो जब आपने शुरू में ये शुरू किया काम, जैसे आपने ऐड किया पहले या जो ड्रामे किए, तो कैसा लगता था आपको जब कर रहे थे, ये रियलाइज हो रहा था कि यार कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये स्किल है, मुझे एक्टर बनने का शौक है, नहीं है, या बस क्योंकि एक सीन चल पड़ा था इस तरफ एक्टिंग की तरफ, एक काम आ रहा था तो आप करते गए, क्या उस वक्त क्या चल रहा था एक छोटे 4, 5, 6 साल के बच्चे के जहन में? बस तब बहुत मजा आता था करके,
फिर जब मैंने अपना मतलब पहला ऐड किया तो बस थोड़ा ज्यादा मजा आना शुरू हो गया, फिर मैं करता रहा। फिर जब मैंने काशिफ अंकल के साथ किया तो उनकी टीम के साथ भी काम करके बहुत मजा आया, तो मैंने कॉन्टिन्यूसली उन्हीं के साथ काम किया, क्योंकि साथ में स्टडीज भी होती थी तो वो फिर स्टडीज का वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो उनके साथ में वीकेंड पर काम कर लेता था या जिस तरह भी होता था, तो स्टडीज के साथ साथ फिर उन्हीं के साथ मैंने कॉन्टिन्यूसली काम किया, तो मुझे मजा आता था और दिल लगा रहता था, तो इस तरह मैं बस करता था इसलिए। दिल तो लगा रहता है जब स्कूल से छुट्टियां मिल रही हो और स्कूल ना जाना पड़े, तो स्कूल मिस हुआ बीच में या नहीं? नहीं, स्कूल नहीं मिस होता था। स्कूल नहीं मिस होने दिया कभी? तो जब आप अब एक्टिंग कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह आपको 10 साल हो गए हैं एक्टिंग करते करते, तो जो कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में सेट के ऊपर ही सीखा, काशिफ भाई से काम करते हुए ही सीखा, या कोई एक्टिंग की क्लासेस भी ली है, कुछ कुछ ऑनलाइन कुछ रिसर्च किया इसके बारे में? क्लासेस वगैरह तो नहीं, मैंने जो सीखा वो शूट पे ही सीखा, और बस मैंने कुछ इंग्लिश मूवीज वगैरह देख लेता था, कुछ सीरीज देख लेता था, तो उससे जरा थोड़ा सा बस मुझे मिल जाता था, थोड़ा सा टीचिंग मिल जाती थी कि वो किस तरह शूट करते हैं, किस तरह करते हैं, तो इस तरह, और ड्रामास वगैरह देख लेता था बाकी सारे शूट पे। मैं आपसे सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जब दिल ना उम्मीद तो नहीं शुरू हुआ, और उसमें जैसे ही आपकी एंट्री हुई एज जमशेद, तो पहले दिन ही जब मैंने वो देखा था, वो आपका जो पहला सीन था, मैंने कहा यार ये छोटा बच्चा है, ये कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद सीन्स आए जहाँ पे उस बच्चे की माँ का उसके साथ जो रवैया था वो अच्छा नहीं था, माँ भी उसको मार रही है, मास्टर भी उसको मार रहा है, जो उसके दोस्त हैं स्कूल में वो भी उसको बुली कर रहे हैं, फिर आगे आगे जैसे जैसे हम जमशेद की जर्नी देखते जा रहे हैं अभी तक उसकी जिंदगी में मुश्किलात ही आती जा रही हैं। एज अ 14 year old और एज अ 13 year old, जब आपको ये स्क्रिप्ट मिला या आपको काशी भाई ने बताया कि आपको ये ड्रामा करना है, तो आपके जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? आपने सोचा कि यार ये तो बहुत एक सीरियस सा और डार्क सा और डिफिकल्ट सा कैरेक्टर है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस लाइक? क्या सोचें आ रही थी आपको? बस ज्यादा कुछ नहीं, बस यही था कि कर लूंगा मैं, तो वो भी साथ साथ थोड़ी मेरी प्रैक्टिस करवा देते थे घर में भी, जब स्क्रिप्ट वगैरह मिला तो मैं घर में प्रैक्टिस कर लेता था, पहले सारा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ा, अपनी बहन के साथ रिहर्सल वगैरह कर लेता था, तो उससे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब काशिफ अंकल वगैरह के साथ में कोई भी ड्रामा करता हूँ तो वो बहुत गाइड करते हैं, तो उसके साथ ईजी था मेरे लिए करना, इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब भी आप एक्टिंग कर रहे होते हो? आपको क्या लगता है कि एक्टिंग में कोई चैलेंजिंग चीज है जो आपको मुश्किल लगती है, या आपको लगता है नहीं आसान है सब बस हो जाता है? हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं लगता मुझे, बस हो जाता है। कैसे कैसे हो जाता है यार? आप कैसे जमशेद बन जाते हो साधु, बताओ ना। बड़े बड़े एक्टर्स जो है उनको इतनी प्रॉब्लम होती है रोल्स टेक ऑन करने में, और ये तो इतना डार्क एक ड्रामा है एक छोटे बच्चे के लिए करना। मैं तो ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्क्रीन के ऊपर आपने एक ऐसा बच्चे का रोल प्ले करना है जिसको मार पड़ रही है, मम्मी से भी मार पड़ रही है, मास्टर साहब से भी मार पड़ रही है, लड़के भी मार रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका कोई इफेक्ट इम्पैक्ट आपको फील हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इस चीज में होता था कि एक्सेंट बदलना पड़ता था उसके अंदर, थोड़ा सा जरा पंजाबी टच और जरा थोड़ा दूसरा टाइप का एक्सेंट करना पड़ता था, उसमें कभी कभी मसला होता था, वरना बाकी बस ठीक था। और सेट के ऊपर कैसा माहौल था जो सारे आपके को स्टार्स से आए? सपोज के सबने बड़ा सपोर्ट किया होगा, सबने बड़ा इनकरेज किया होगा। हाँ जी, वो उसमें अगर कुछ मैं गलत कर देता तो साथ में समझाते थे, कुछ भी अगर हो तो वो थोड़ा सा मतलब बताते थे कि इस तरह करना है, तो सही होता था। सबसे ज्यादा किसने हेल्प आउट किया? काशिफ अंकल ने बहुत हेल्प किया और नुमान अंकल के साथ भी बहुत मजा आया, दोनों के साथ बहुत मजा आया। क्योंकि अभी तक हमने आपके नुमान अंकल के साथ सीन्स नहीं देखे। चलो ये आपने छोटा सा एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता दी कि आपके ज्यादा सीन्स आगे नुमान अंकल के साथ भी आएंगे। हाँ, हाँ जी, और नादिया आंटी के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया हुआ था मगर मैंने उनका ड्रामा देखा था सोना चंदा, तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, मतलब अगर कोई अपनी लाइफ से हट के जरा थोड़ा दूसरे एक्सेंट वगैरह में करे तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छी मतलब एक्टिंग की हुई थी, उनके साथ भी बहुत मजा आया एक्ट करने का। तो ये जो हम सीन्स देख रहे हैं, इतने जो टफ सिचुएशंस में से जमशेद गुजर है, कहीं असल में तो कोई नहीं मार पड़ गई एक्ट करते करते किसी का थप्पड़ लग गया हो या किसी का हाथ जोर से लग नहीं, गया हो?
वो हुआ था एक दफा, वो मास्टर से जो हुआ था सीन मास्टर के साथ, उनसे जरा वो जो कॉपी थी वो थोड़ी जोर से लगी थी, तो वो यहाँ पे नाखून के अंदर जरा थोड़ा सा हुआ था, बाकी बस ठीक था। कभी एक ही दफा हुआ था, आपने कंप्लेन नहीं किया फिर काशिफ अंकल को कि वो तुम देखे मुझे चोट लग गई है? हुआ था कहा अच्छी मेमोरीज क्या है सेट के ऊपर? आप हमें ये भी पता है, और शायद जिन लोगों को नहीं पता हम उनको बता दें कि अला रखी का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है दिल ना उम्मीद तो नहीं में, वो सादून की रियल लाइफ सिस्टर है जिनका नाम है बुनीता। सो यू हैड योर सिस्टर ऑन द सेट ऑल्सो राइट? यस। तो वो कैसा था, दोनों बहन भाई एक ही ड्रामे का हिस्सा है और एक्टिंग साथ में कर रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? उसमें बहुत मजा आया, ये नीता के साथ मेरा सेकंड ड्रामा था, मतलब जिसमें हम लोग बिल्कुल साथ हैं, एक उससे पहले किया था और एक सेकंड था जिसमें हम दोनों बिल्कुल साथ थे, तो बहुत मजा आया। और इस तरह मुझे मतलब इतना नहीं पता था कि मतलब नीता का इतना इसने नहीं किया हुआ काम, मगर मुझे इतना नहीं पता कि वो बहुत अच्छा करेगी, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं उसे बहुत इंप्रेस हुआ था। नो डाउट नो डाउट, बुनीता ने भी बहुत अच्छा काम किया। बट मुझे अब आप ये बताएं सादून कि आपको वो स्टार लाइक फीलिंग आ रही है? आपने तो खैर जान कार्टून की आप आवाज हैं, तो आप तो वाकई पहले ही इतने बड़े स्टार हैं, बट दिल ना उम्मीद तो नहीं के बाद कैसा फीडबैक आ रहा है? लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे? जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में, जो क्लासमेट्स हैं अदरवाइज कजन्स में, फैमिली में, लोग ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्या लग रहा है? लोग देख रहे हैं, स्कूल फ्रेंड्स देख रहे हैं और विनीता के स्कूल फ्रेंड्स वगैरह भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो बहुत इंप्रेस हुए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी एक्टिंग है। तो विनीता की भी क्लास वगैरह वाले बहुत सारे कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग है, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत इंप्रेस हुए, कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिंग है, टीचर्स वगैरह बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट वॉट अबाउट द मैसेज, जो दिल ना उम्मीद तो नहीं का मैसेज है? ऑब्वियसली एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैसेज ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। मेरा जो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज अफसोस की लग रही है वो ये लग रही है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं इतना जबरदस्त ड्रामा, और आप सब लोगों ने, आपने, बुनीता ने, बाकी भी जितने आपके एक्टर्स हैं, इतना अच्छा काम किया है। बट आजकल आपको पता है YouTube के ऊपर व्यूज की बात होती है, तो कुछ ड्रामों के 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन व्यूज आते हैं पर एपिसोड। दिल ना उम्मीद तो नहीं इतना अच्छा ड्रामा है फिर भी उसके व्यूज उतने ज्यादा नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है आपकी, आपके जो ड्रामा के कॉलीग्स हैं उनके साथ या घर वालों के साथ? आपको लगता है कि ड्रामा उतना नहीं देखा जा रहा जितना देखा जाना चाहिए? थोड़ा बहुत तो मुझे हुआ था कि मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत अच्छी स्टोरी है, तो इसे थोड़ा मतलब ज्यादा हिट होना चाहिए था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम है, मगर अभी भी जो है उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। मुझे याद है शायद जो हमारा पहला एपिसोड था वो थर्ड ऑन ट्रेंडिंग पे आया था, थर्ड या फोर्थ, तो उसके बाद फिर मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उसे और टॉप पे जाना चाहिए। आप फॉलो कर रहे होते हो वैसे कि ड्रामे के कितने व्यूज आए हैं, कमेंट्स देख रहे होते हो, फीडबैक देख रहे होते हो, रिव्यूज देख रहे होते हो या नहीं? हाँ जी, मैं देख रहा होता हूँ, ज्यादातर नीता के बहुत ज्यादा कमेंट्स आए होते हैं। हमारे रिव्यूज देखे हैं आपने ड्रामे के ऊपर जो हमने रिव्यू किए, जो आपको इतनी ज्यादा तारीफें की, आपकी पहुंची आप तक या नहीं पहुंची? हाँ जी, पहुंची है, मैंने सारी देखी चले ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये है। बताएं कि जान कार्टून की आपने आपने वॉइस ओवर किया, उसकी क्या स्टोरी है, वो कैसे आया आपके पास? वो उसमें यही था कि मैंने बस CTV एक था चैनल, उसके साथ मैंने काम वगैरह किया, तो उन्होंने मैंने सबसे पहले जान कार्टून की डबिंग की, तो डबिंग शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे थोड़ा मजा आना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें पहले ये होता था ना कि एक छोटा सा कमरा है उसमें बस बंद होकर डबिंग करनी है, तो थोड़ा सा पहले मुझे फर्स्ट डे मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक, बहुत मजा आना शुरू हो गया, तो मैं करता रहा। कार्टून मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कार्टून को देखते देखते तो बस मैं वो करता रहता था, तो बहुत तो मजा वो आता। जब आप डबिंग कर रहे थे तो सामने एनिमेशन भी चलती थी या बस आप स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहे थे? नहीं, एनिमेशन भी चलती थी। एनिमेशन भी चलती थी। तो वो जो, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैं एक्सपीरियंस किया है, जो डबिंग है ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उसमें तो ऑब्वियसली जो एक्टर्स परफॉर्म करके डब करते हैं उनको भी बड़ी मुश्किल होती है वो इमोशन वापस लेके आने के लिए। तो ये तो आप एनिमेशन के ऊपर एक डबिंग कर रहे थे, तो आई सुपोज ये भी बड़ा चैलेंजिंग होगा, तो किसने हेल्प आउट किया, कैसे वो? मैं इतना इम्प्रेस हूं साधुन आपसे कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये सारी चीजें कर ली हैं, तो बस मेरी हैरानगी है कि ये आपने कैसे कर लिया और कैसे सीख लिया, तो कुछ अगर आप बताना चाहें इस बारे में। बस वहां पे जो एडिटर थे जिन्होंने
जो साथ साथ एडिट करते रहते थे, थोड़ा सा मतलब फर्स्ट डे थोड़ा समझाया, उसके बाद मुझे समझ आ गई थी कि इस तरह करना है, तो वो हो जाता था। बस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें आती थी वो ये थी कि गर्मियों में एसी नहीं चलना पड़, वहां पे रूम में एसी नहीं चल सकता था क्योंकि वो माइक पे जरा होता था, तो उसकी वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि एक छोटे से कमरे में बंद रह के जरा थोड़ा मसला होता था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मूविंग फॉरवर्ड व्हाट डज साधुन वांट टू डू? डू यू वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग, या आपका आगे चलते हुए ऐसी सोच है कि बस अभी मैं एज अ चाइल्ड एक्टर जो एक्टिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बाद में तो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और अ पायलट और वट एवर यू वॉन्ट टू बी? क्या क्या सोच रहे हैं आजकल? मेरा तो यही है कि मैं इसी फील्ड में रहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री फील्ड में रहूंगा, या तो मैं मूवीज या फिर ड्रामास। अभी इतना मैंने नहीं आके सोचा, लेकिन मैं इसी फील्ड में रहूंगा, यही मेरा थॉट है। आप एक्टिंग को ही परसू करना चाहेंगे? कुछ आप खुद भी लिखते हैं, कुछ बनाने का शौक है? कैमरा होता है बच्चों के पास, कुछ ना कुछ मूवीज बनाते रहते हैं, लिखने कुछ जो है बच्चे उनको लिखने का भी बहुत शौक होता है, तो आपके शौक हैं उस तरफ भी ध्यान है लेकिन, या सिर्फ एक्टिंग की तरफ फोकस है? अभी तो एक्टिंग की तरफ फोकस है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग की तरफ इंशाल्लाह जल्द आऊंगा। ब्लॉगिंग अपना यूट्यूब चैनल पे मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करूंगा। व्लॉगिंग, आप आपके जो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया हैंडल्स या इस तरह के अगर व्लॉग्स आप कुछ करते हैं तो अगर है ऑलरेडी कर रहे हैं तो अभी अब बता दें, हम वो चला देते हैं हैंडल्स, ताकि जिन लोग जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं वो कर लें आपको, या अभी आपके कोई ऐसे नहीं, हैंडल्स या नहीं है प्रोफाइल्स? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है, चले जब हो गए साधुन के हैंडल्स और प्रोफाइल तो हम आप तक पहुंचा देंगे, फिर आप लोग सब फॉलो कर दिए। साधुन मुझे ये बताएं कि जब आप एक ड्रामे के सेट के ऊपर होते हैं, तो मैंने देखा है एक्सपीरियंस भी किया सेट के ऊपर जाके, ये तो 13-13 14-14 घंटे, कभी कभी 18-18 घंटे भी सेट के ऊपर रहना पड़ता है, तो आप तंग नहीं आ जाते थे सेट के ऊपर इतनी देर रह के? सीन आता है फिर ब्रेक आ जाती है, लाइट्स चेंज होती हैं, सेटअप चेंज होते हैं, यू नो काफी टाइम लग जाता है, तो आप बोर या तंग नहीं हो जाते थे कभी कभी? नहीं फील होता था यार के बस मेरी बस हो गई, मुझे अब घर जाना है, मामा पापा की याद आ रही है? नहीं, ज्यादातर तो पेरेंट्स साथ ही जाते थे, तो मैं कर रहता था, लेकिन बस यही होता था कि मैं अपनी बुक्स वगैरह ले जाता था, अगर कोई बहुत जरूरी शूटिंग है तो, और मेरा अगर कोई टेस्ट वगैरह या कुछ है तो मैं बुक्स साथ ले जाता था, पढ़ना शुरू कर देता था। और सबसे ज्यादा यही होता था कि अगर कोई सीन करने लगे हैं, उन्होंने कोई ड्रेस बना दिया है और फिर वो कहते थे कि नहीं ये वाला पहनना है, ये कॉन्टिन्यूटी है ये है, तो उसमें थोड़ा सा होता था कि नहीं अभी तो चेंज किया है, अब फिर चेंज करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, उसमें होता था, बाकी सब कुछ सही था। कोई मेमोरी सेट की जो आपको बहुत मजे की है, जो याद आती हो बार बार, या कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन सेट के ऊपर, कोई ऐसा सीन चले जो बहुत डिफिकल्ट या चैलेंजिंग था आपके लिए करने के लिए, और अब जब आपको याद आता है तो आपको होता है यार कि बहुत टाइम लग गया वो सीन करने में? वो एक तो दिल ना उम्मीद भी है कि वो थोड़ा सा सर्दियों में शूट हुआ था, जनवरी वगैरह के मतलब उसमें दिसंबर जनवरी में, तो वो गांव वाली साइड पे था तो बहुत सर्दी होती थी, बहुत ज्यादा, तो जब वो मतलब वहां पे सीन वगैरह होते थे तो बहुत सर्दी होती थी, उसमें थोड़ा सा बस था। और एक दफा एक शूट हो रही थी तो मैं जो लाइट है उसको मैंने हाथ लगा दिया था तो मेरी फिंगर्स जल गई थी, तो वो सीन था कि उसमें हम कोई मैच खेल रहे हैं और मैं जीत गई, तो मैंने बहुत हंसना है, तो वो इतनी जलन हो रही थी और अजीब सा हो रहा था, तो मेरे से वो सीन होना नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से वो सीन किया था। ये एक मेमोरी है। ये एक आपकी मेमोरी है चैलेंज, तो दिस इज शूट, ये आप कह रहे हैं 2019 की, 2019 की दिसंबर और 2020 की जनवरी, एक साल पहले ये शूट हुआ है, तो बड़ा टाइम लग गया यार इसको आने आते थे, बीच में आप वेट कर रहे थे यार हमारा ड्रामा हमने शूट किया क्या होगा कब आएगा, एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही थी? बस यही था, बस कोरोना की वजह से हुआ ना, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा थोड़ी ब्रेक आ गई थी, उस वजह से हम लोगों का थोड़ा सा ज्यादा डिले हो गया। स्कूल क्या जा रहे हैं आजकल आप? अभी तो सबकी ऑन एंड ऑफ स्कूल चलता है, फिर जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, जाते हैं बंद हो जाते हैं, तो एक्टिंग साथ में चल रही है, स्कूल पढ़ाई पे ज्यादा फोकस चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल? तो पढ़ाई पे फोकस चल रहा है, अभी एग्जाम्स हो रहे थे मगर अब वो ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद हो गए, मंडे से स्कूल नहीं हो रहे। तो आगे चलते हुए क्या कुछ और प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे अपने फैंस को व्यूवर्स को? हाँ जी, इंशाल्लाह आएंगे टू और ड्रामास मेरे और आएंगे, अभी उनकी रिकॉर्डिंग होगी और थोड़ी सी हो गई है, और अभी टीवीसी भी आएगा एक,
वो इंशाल्लाह आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह, तो जो ड्रामे रिकॉर्ड हो गए हैं वो काशी भाई के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, या बता नहीं सकते अभी? अभी वो किड्स के हैं, मतलब बच्चों के ड्रामे। बच्चों के ड्रामे, तो वो कहाँ पे चलेंगे, किसी चैनल पे या कोई है इन्फॉर्मेशन? अभी अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक हो गया। फारिग टाइम में क्या पसंद करते हैं साधुन, आप क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर जाते हैं, कंटेंट देखते हैं, बच्चों का क्या करते हैं आप, क्या चीज आपको बिजी रखती है? मैं सीरीज वगैरह देखता रहता हूँ, या फिर यही होता है कि मैं कुछ सोचता रहता हूँ कि आगे कुछ ब्लॉगिंग के लिए मैं उसी के पर थोड़ी रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी मैं ब्लॉगिंग की तरफ आऊँ, या फिर कुछ स्किट्स वगैरह बनाऊंगा तो उसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो किस तरह के, जब आप देखते हो कंटेंट देखते हो या जब अपने स्किट्स के आइडियाज आप सोच रहे हो, तो किस तरह का कंटेंट आपके जहन में आता है अपने लिए? जब आप रोल सोचते हो तो किस तरह के रोल्स आपको लगता है कि आप प्ले कर सकते हो या करना चाहते हो? मैं बस एंटरटेनमेंट जरा थोड़े फनी कैरेक्टर्स होने चाहिए उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ, क्योंकि फनी जरा थोड़ा ज्यादा सही रहता है। आपने देखो सीरियस रोल तो इतना जबरदस्त किया है, तो आपको लगता है कि कॉमेडी रोल भी आप कर पाओगे उतनी आसानी के साथ? हाँ जी, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हालांकि एक्टर्स कहते हैं कि कॉमेडी करना ज्यादा मुश्किल होता है लोगों को रुलाने से। इस पे रिसर्च की है आपने थोड़ी बहुत? हाँ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी व्लॉगिंग की तरफ ही, और ज्यादातर तो मेरा व्लॉगिंग की तरफ है। उसके बाद फिर मेरा सेकंड स्टेप है वो स्किट्स की तरफ है कि 5-6 मिनट की शॉर्ट स्किट्स वगैरह मैं अपलोड करूंगा उसी पे, कि अब कोरोना आ गया तो कोरोना से रिलेटेड, और वैसे तो उसके हिसाब से मैं करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा बस मुझे अब आप ये बताएं जाते जाते कि दिल ना उम्मीद तो नहीं में आपका फेवरेट सीन कौन सा है? फेवरेट सीन, मेरा फेवरेट सीन नादिया आंटी के साथ है, उनके साथ एक सीन था तो उसमें मुझे मार बहुत पड़ती है उनसे, मैं घर दूध लेट लेकर आता हूँ तो उसमें बहुत मार पड़ी थी, तो वो सीन बहुत मजे का मुझे ये था। बताओ, ये और आपने आपने ये सीन की बात की, मेरा भी इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स जो आपको आपका नादिया जी के साथ, बल्कि जितने भी आपके सीन्स हैं वो सारे बहुत जबरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किए। ये जब हो रहा होता था तो कैसे हो, मतलब व्हाट वाज द प्रोसेस, क्या आप पहले से लाइंस आपने याद की हुई होती थी, या उधर जाके आपको सेट पे बताया जाता था कि ये लाइंस आपने करनी है? आपकी लाइंस तो वैसे कम है, बट जो एक्सप्रेशंस आपने देने थे, क्या काशी भाई आपको करके बताते थे कि बेटा ऐसे करना है, या कहते थे कि अच्छा नाउ इट्स अप टू यू और आप खुद ही कर लेते थे? व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? बस ये होता था कि मैं सेट पे जाता था तो सीन से थोड़ी देर पहले बस स्क्रिप्ट मिल जाता था तो मैं उसे एक दफा रीड कर लेता था, तो एक दो दफा रीड करके जिसके साथ भी है उससे सीन से पहले एक दफा रिहर्सल कर लेता था, और फिर जब बिल्कुल सीन होने लगता था तो काशिफ अंकल के सामने प्रैक्टिस वगैरह करता था, तो जो थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह होती थी या कुछ होता था तो वो काशिफ अंकल साथ समझा देते थे कि इस तरह करना है या इस तरह करना। तो इन मोस्ट कैसे केसेस जब आप रिहर्सल में उनको कुछ करके दिखाते थे तो वो अप्रूव कर देते थे, कहते थे हाँ बेटा वेरी गुड ऐसे ही करना, या कुछ ज्यादा चेंजेस होते थे? कभी कभी होता था कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते थे, और कभी कभी होता था कि कोई चेंजेस नहीं होते थे, तो अगर जरा ज्यादा सीन, ज्यादा लोगों का सीन है तो उसमें होता था कि वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा समझा देते थे, या अगर बस ठीक होता था तो मैं कहते थे कि ठीक है, बाकी मैं कर लेता था। तो आपको सेट के ऊपर जाकर कितना टाइम लगा जमशेद बनने के लिए? होता ना एक्टर्स कहते हैं कि भाई हमने एक कैरेक्टर जब करना शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन तीसरे या चौथे दिन जाके हमें वो बात का एहसास हुआ कि अब हम उस कैरेक्टर में ढल गए हैं, हमने अपने आप को ढाल लिया उस कैरेक्टर में। आपका भी ऐसा कोई प्रोसेस है, या बस आप रोज जाते थे सेट पे जमशेद बन जाते थे, जैसे कट होता था आप वापिस साधुन बन जाते थे, कैसा था प्रोसेस? यही होता था कि बस जैसे कैमरा एक्शन होता था तो मैं जमशेद बन जाता था, जैसे कट होता था मैं साधन बन जाता था। उससे बस यही होता था कि बस वहां पे जाके फर्स्ट डे जरा थोड़ा सा हुआ था, बाकी फिर सेकंड डे से जरा वहां की जरा पता चल गया कि यहाँ पे गाँव में इस तरह होना है, और मतलब किस तरह सीन वगैरह होना है, तो वहां की जरा थोड़ी आदत नहीं हो रही थी फिर, लेकिन जब 1-2 दिन हो गए इस तरह समझ आ गई। और ड्रामा से पहले भी वहां पे उनके सेट पे हम जाते रहते थे तो वहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो जाती थी, तो मैं इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको साधुन ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो आपने ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नेचुरली गिफ्टेड, अल्लाह मियाँ ने बड़ा आपको टैलेंट दिया है, कि ये बड़े बड़े एक्टर्स भी जब मेरी उनसे बात होती है तो बताते हैं कि ये
बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए कैमरे के सामने, जब वो एक कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हैं वो कैरेक्टर में रहना, फिर उस कैरेक्टर से निकलना या फिर उसमें वापस जाना, तो ये इतना आसान नहीं होता। तो माशाल्लाह आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी ऑफ कैमरा जब मेरी आपसे बात हो रही थी ये बताया कि आप इतना बिलीवेबल आपने जमशेद के कैरेक्टर को बना दिया अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू कि वो लगता ही नहीं कि ये कोई बच्चा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये हम एक ऐसे बच्चे की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जिसके साथ असल में ये हो रहा है। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ ब्रिलियंट यू आर। तो माशाल्लाह मेरी सारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आगे भी आप जो काम करें इंशाल्लाह आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप और बड़े होते जा रहे हैं आपको अल्लाह और बड़े बड़े कैरेक्टर्स दे, और इंशाल्लाह जब आप फुल बड़े हो जाएं तो फिर आप एक फुल ऑन हीरो के रोल में आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेल डन वेल डन, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू आपने हमें टाइम दिया। और कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे अपने फैंस को, फॉलोअर्स को, क्योंकि जान के भी बहुत फॉलोअर्स और फैंस हैं और दिल ना उम्मीद तो नहीं, एटलीस्ट हमारी जो व्यूवर्स हैं उनकी बहुत बड़ी मेजोरिटी देख रही है वो ड्रामा, तो कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे आप? हाँ जी, यही कहना चाहूंगा कि बस अगर एक्टिंग करनी है तो उस पे बस थोड़ी रिसर्च वगैरह करें, और यही कि ड्रामास वगैरह देखें तो उससे जरा थोड़ी इनको मिल जाता है, कि टीचिंग मिल जाती है कि इस तरह करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए। मैंने तो अभी तक इस तरह ही किया है, और बाकी सेट में कर लेता हूँ, तो यही कि स्पीचलेस, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। और मैं नहीं, आई श्योर कि आपका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच गया, कि जो भी काम टेक ऑन करें, जो भी जॉब टेक ऑन करें, उसके बारे में जरूर पहले रिसर्च करें, उसकी जो उसके बारे में जितनी भी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। साधुन माशाल्लाह नेचुरली टैलेंटेड और नेचुरली गिफ्टेड तो है ही, बट फिर भी जैसे उसने आपको उन्होंने आपको बताया कि व्लॉगिंग के लिए भी ही इज डूइंग हिज रिसर्च, एक्टिंग के लिए भी वो देख रहे हैं, सीरीज भी देख रहे हैं, उनसे फिल्में बताया उन्होंने देखी। सबसे अच्छी वैसे कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको देख के, या कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको देख के आपने बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ की साधुन? अभी ऐसा कोई जहन में आ तो नहीं रहा। सोनू चंदा देख के, अगर पाकिस्तानी ड्रामा के लिहाज से देखा जाए तो सोनू चंदा से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, और चंदा तारे में भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला था। वो भी बहुत अच्छा, मतलब बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा ड्रामा था, तो उसमें बहुत मजा आया। बाकी मेरा एक वो था पोस्टिंग के लिए जो था सुबह मुबारक, उसमें मुझे बहुत ज्यादा हुआ था, उसमें बहुत मजा आया था। तो उससे बहुत सारी टीचिंग वगैरह मिली थी, उसमें पहले रिसर्च की थी कि वहां जाके किस तरह करना है या इस तरह करना है, क्योंकि रोज एक अलग टॉपिक होता था, तो उसके लिए मैं पहले रिसर्च करके जाता था। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपको साधु ने कहा कि अगर आपने भी एक्टिंग में अगर आना है तो उसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, जिस तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहते हैं उनको जरूर देखें। और स्पेशली यंग हमारे भी बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर उनको एक्टिंग करनी हो तो वो क्या जाएं, तो आई थिंक इस साधुन के इंटरव्यू से आपको बहुत सारा वैल्यूबल फीडबैक मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच साधुन, आपने हमें टाइम दिया, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू मैं बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, जी। बाद में क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस बुक में बहुत सारे पेज बाकी हैं। थैंक यू साधुन, थैंक यू सो मच।